अवैध अतिक्रमण व अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की सख्त कार्रवाई। अवैध तरीके से छुट्टी के दिन पड़ाव में निर्माण की गई प्याऊ को किया धराशायी, तो वहीं अवैध तरीके से निर्मित भवन को किया सीज। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर 2 घंटे का दिया धरना, किया प्रदर्शन। अंबे माता मंदिर कमेटी ने जेएलएन अस्पताल के नए ऑपरेशन थिएटर के लिए फ्रिज किया भेंट। सामाजिक और सेवा के कार्यों के लिए सदैव तत्पर अंबे मंदिर कमेटी वर्ष पर्यंत करती है कई सेवा कार्य। सेशन न्यायालय के गेट नंबर 4 से एक्टिवा चुराने वाला शातिर चढ़ा पुलिस अड्डे। सीसीटीवी फुटेज व आज सूचनाओं के आधार पर पाली से रायपुर पाली निवासी देवेंद्र भाटी को किया गिरफ्तार। छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने बैनर पोस्टर चिपकाकर कॉलेज कैंपस को किया बदनुमा। कॉलेज की प्रोक्टोरियल कमेटी ने प्रत्याशियों को दिए नोटिस। भवन संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। समाज सेवी भवन सिंह पलाड़ा ने शुरू की लंपी वायरस से गायों को बचाने की मुहिम। बीमारी से पहले गायों को गॉटपॉक्स नाम के लगाए जा रहे हैं टीके। सावधानी और सतर्कता बरतने की पशुपालकों से की जा रही है अपील। क्लाकटावर थाना अंतर्गत मार्टिंडल ब्रिज के नीचे स्थित कुबेर होम्योपैथिक स्टोर की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। 2.25 लाख रुपए की नकदी सहित चांदी के सिक्के और बीपी मॉनिटर मशीन लेकर हुए फरार। हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता के लिए सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा रैली। वैसागर रोड सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 से निकली रैली विभिन्न मार्गों से होती हुई फिर से केंद्र पर पहुंचकर हुई संपन्न। देश में बढ़ती महंगाई और खाद्य पदार्थों में 5% जीएसटी के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने जमकर निकाला गुबार। जेल भरो कार्यक्रम के तहत की गिरफ्तारियां। पुष्कर में बन रहा है प्रदेश का पहला सैंड आर्ट पार्क। तीर्थ नगरी पुष्कर में प्रदेश का पहला सैंड आर्ट पार्क अब लेने लगा आकार। 8 अगस्त को होगा उद्घाटन। सुभाष नाथ पारधी ने की अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधियों व एनजीओ के साथ चर्चा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष नाथ पारधी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ की बैठक।